अयोध्या के कोतवाली क्षेत्र के राठ हवेली में बच्चों के आपसी विवाद को लेकर मोहल्ले के दबंग युवकों ने महिला पर किया जानलेवा हमला। लात घूंसे और लाठी डंडों से सर पर किया जानलेवा हमला के परिवार द्वारा लगाया गया आरोप। महिला जो कि गंभीर रूप से घायल हो गई, जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा। सर पर महिला के 16 टांके लगे हैं। पीड़ित महिला के पति मोहम्मद अली का आरोप है कि रात्रि में बच्चे के साथ विवाद हो गया था। विवाद हो जाने के कारण मोहल्ले के शहजादे और राहुल यादव ने पत्नी पर लाठी डंडों से लहूलुहान कर दिया और पत्नी के सर पर गहरी चोट आई है। पुलिस पर कार्रवाई न किए जाने का भी गंभीर आरोप लगाए गए परिवार द्वारा। झगड़ा हुई छोटे छोटे बच्चों में, उसके बाद उसके बाप ने, इसका नाम मोहम्मद शहजादे है, ये हमारे घर पे आए। घर पे हमारे कोई भी नहीं था और उनके मतलब हमारी बीवी को बेल बजाई, बाहर निकली, उनके डंडे से मार करके सर फोड़ डाला। 3-4 डंडा मारा, सर फूट गया, ज़्यादा करीब 12-14 टाके 16 टाके लगे हुए हैं। 4 जगह सर में इंजरी है और FIR मामूली धाराओं में लिख करके कल रात में ही पंजीकृत कर दी गई और उनको अभी रिहा कर दिया गया। हम चाहते हैं कि इनको सही धाराओं में इनको जेल भेजा जाए और इनको सख्त से सख्त अस्पताल में ही एडमिट है। वो क्या नाम है, मेडिकल करवाया हुआ है, सीटी स्कैन प्राइवेट करवाई थी रात को देखने के लिए, बाकी अभी पूरी जांच नहीं हो पाई। कितने टाके लगे हैं आपको? लगभग 16 टाके लगे हुए हैं, 4 इंजरी है। किस चीज़ से मारा था? बेसबॉल वाले डंडे से। अभी पुलिस क्या कह रही है? अभी पुलिस कह रही है कि हम इसमें आगे रिपोर्ट लेने के बाद सारी कार्रवाई करेंगे, जबकि कल रात को आश्वासन दिया गया था कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको रिहा कर दिया गया। हम ये चाहते हैं कि जो उनको मतलब 16 टाके लगे, जो भी उस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई बनती है, वो विवेचक साहब उसमें करें। पी साहब को देना चाहते हैं कि ये इन्होंने इतनी छोटी धाराओं में उनको क्यों ऊपर प्रज्वलित किया, जबकि ये रात को 12:30 बजे गए तो उनको देख करके आए कि उसके 14 से 16 टाके लगे हुए हैं और सर में 4। ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से सर में 4 इंजरी है और उसके बाद में भी जो है विवेचक साहब ने इसमें कोई सही कार्रवाई नहीं की। ये है कि इनके से इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको सही को जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनको जेल भेजा जाए। मोहम्मद अली, अलीगढ़ राठ हवेली का, फैजाबाद। बीवी का नाम था रुबीना बानो। बच्चों का विवाद था, वो बच्चे छोटे छोटे बच्चों का विवाद था, इस तरीके से इन्होंने और मिस्टर किया। कल रात को ही सारे लोग हमसे कह रहे थे सुलह समझौता कर लो, विवेचक साहब ने भी ये बात कही कि इससे आप परेशान ना हो और हमसे भी कहा कि ये मतलब गलत कर रहे हो।